ओ मम्मी मम्मी अपनी गाड़ी को छू कर फील करते हुए, मैं बड़ा हूँ, अगर मेरे पे गिरा तो मैं दोनों को बहुत मारूंगा। Wait and watch. A few moments later. मुंह में चला गया। What is up, crazies? Welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine and safe. आज पूरा दिन यही करते हैं। होली के सीजन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। मुंह में डाल दिया तुमने। क्या कह रही हो? बचा है क्या उसमें? बस हो गया। हुक्का। हमारा सस्ता हुक्का। अब निधि रोहन का कॉलेज से आने का वेट करते हैं और ऑफिस से, तब उन पे भी चालू करते हैं यही सब हरकतें। आय हाय। कल मेरी एनिवर्सरी थी, मैंने पिज्जा खाया है और पास्ता खाया है और मार्टिनी ली थी एक, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। ल हमारे ऋषि भाई जिम ट्रेनर, पैसा बर्बाद बैच। संडे था यार, चीट डे होता है ये सब। आज हम मारेंगे चेस्ट। बाय द वे मैंने सुबह रनिंग लगाई है 2 किलोमीटर की। देखो गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि रेशु भाई को फिर से प्रेशर आ रहा है और वो रोक के बैठे हैं। ये हर बार बीच एक्सरसाइज में जो छोड़ के जाते हैं मुझे। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लेन कर दी थी। नहीं, तो नहीं। बेचारे आज रोक के बैठ खड़े हुए हैं। रोका भी किस चीज से है? क्या कर रहे हो रेशु भाई, ऐसे चले जाओ। मैं आज आप मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, जाओ भाई। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा। चलो ऋषु भाई, अब आप जाके हग सकते हो। मेरे हगने के पीछे नहीं, यही रहा तो मुझे रहन दो। लास्ट वीडियो में दिख गया। ओ भाई, ये काइगर थी ना? हाँ। ये काइगर ही है, बस इसकी चेसी मुड़ चुकी है, बेंड हो चुकी है। और आकाश भाई अगेन, व्हाट्स अप? मैं अभी लेकर आया था अपनी क्विट। मैंने गाड़ी दे तो दी है, लेकिन मैं उस चीज को शूट करना भूल गया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या है, उसका अलाइनमेंट वगैरह ठीक हो रहा है, उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं और मम्मी को दिखाते हैं। अच्छा खासा पैसा लग गया। ऑल राइट गाइज, गड्डी मिल चुकी है, अभी ऐसी दिख रही है, पहले ऐसे दिखती थी। घर जाके दिखाते हैं आप क्या एक्चुअल काम हुआ है। आकाश भाई पहले से ही प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत खर्चा हो गया बातों ही बातों में। चलो बाय आकाश भाई, थैंक्स अगेन। अब चलते हैं घर और देते हैं मम्मी को सरप्राइज। आई एम श्योर मम्मी बहुत खुश होने वाली है इसको देख के। ऑल राइट गाइज, मैं घर पहुंच चुका हूँ। मैंने शिल्पा को भी कॉल कर दिया है कि वो मम्मी को लेकर नीचे आए, सो दैट मम्मी को एक मस्त सरप्राइज मिल जाए और एक अच्छा सा रिएक्शन भी मिल जाए मुझे। बाकी एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, नेक्सॉन के बाद इसको चलाता हूँ ना तो बहुत डाउन टू अर्थ लगता है मुझे चलाना। ऑल राइट गाइज, हियर कम्स माय मॉम, जस्ट सी हर रिएक्शन। तू भी रिएक्शन देने आई है मम्मी? ओ मम्मी, ओ मम्मी। ये वही गाड़ी है जिसको आप रगड़ी थी। पिलर पे रगड़ी थी, देखो एकदम नई जैसी ऑलमोस्ट हो ही गई है। अबे लॉक के गाड़ी गवार। जान क्या करना है तुमने, अंदर जाना है। जब आगे का नहीं खुला तो पीछे का कैसे खुल जाएगा बिना अनलॉक हुए? जा अंदर तू। ओए होए, मम्मी अपनी गाड़ी को छू कर फील करते हुए कि अब नेक्स्ट टाइम कहाँ से ठोकूंगी
कहां से रगड़ू देखे वे इसको तो देख तो आप रोज ही नहीं थी, बस ठीक नहीं हो रही थी वो, अब नया हो गया है। ये देखो ये क्लैडिंग इसमें नई लगी है। हाँ बाय द वे ये इसको आप पीछे कर दी थी ठोक कर, शॉकर नया डाला और अंदर से वो कौन सा स्विंग आर्म होता है वो नया डाला। देख लो मम्मी ये ना जानबूझ और बोनट नया डाला। पहले वाले ये आपको डराने के लिए रुलाने के लिए ऐसे कर रहा है। रुलाने के लिए ऐसे कर रहा है? हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं मम्मी को रुलाना चाहता हूँ? हाँ। मम्मी चला के देखना है। ये भी नया लगवाया, ये ऐसे लटका हुआ था। पूछना कितने का लगा? कितना लगा? ओनली 500 रुपीज। बस रेनो वाले अपने सब्सक्राइबर निकले तो उन्होंने अपने को 95% डिस्काउंट दे दिया। मैं कब हो गया ये? तुम भावनाएं समझो यार, तुम मतलब एकदम डीप में क्यों जा रही? और दे देता ये ठीक करवा लेता। हाँ ये देखो टूटा टूटा एक परिंदा, ऐसा टूटा कि फिर जुड़ भी नहीं पाया। सिर्फ मैं अगर इसको लेता तो मुझे 3 और लेने पड़ते। एक तो कंपनियों की ये अलग बकलोली है, एक टूटा तो चारों के चार पैर लो। रुको ये लो एक्चुअल बिल लो, ये लो एक्चुअल बिल, ये यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ 20,000 रुपए लगे हैं। एंड दैट गिव्स यू द रिमाइंडर नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसे मत रगड़ना, लाइट ऑन कर लेना। तो चला के देखो इसको हटा। अच्छा पता है क्या, रुपए से मम्मी ना टेंशन में बैठी जब से तुम गाड़ी लेकर गए हो। चलाओ ना लाइटियाँ ऑन करना याद रखना। लाइटियाँ चलो मम्मी प्रस्थान कीजिए अपनी गाड़ी में। एक मिनट मम्मी मम्मी एक मिनट रुकना, अब बाहर निकलना एक बार उधर। देख कितना ट्रैवल निकला। दोबारा बैठना, ये देखो गाइस बैठो मम्मी बैठो ना। ओए तुम आ रही हो? फाइनली मम्मी खुश हुई। मम्मी क्या मैं बैठ जाऊं? राइट हैंड में चाबी, ये लो अपनी गाड़ी की चाबी, क्या मैं बैठ जाऊं? यस इंश्योरेंस हो रखा मेरा। राम 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 राम। हट जा दूर हो जा, मैं ऊपर वो बत्ती लगा देता हूँ, लाल बत्ती नहीं होती। हुई 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 सारे गायब रास्ते से। क्या ये गियर नहीं है मम्मी, ये हैंड ब्रेक है। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। 5:25 हो गए, हमारे पास भी काम 25 हो गए हैं। गाइज मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट मेरी माँ थर्ड गियर पे है। सीधा पहला गियर, चौथे से सीधा पहला। अच्छा, ऐसे सनसेट हो रहा है बड़ा सेक्सी वाला। कितने जाए छी, इन्हें मत जाए छी, यहाँ रोड नहीं छी, सीधे जाए छी। एनीवे गाइज अब मैं बताता हूँ मम्मी ने उस दिन करा क्या था। तो मेरी माता श्री, ये जो लाइटें जल रही है ना, और जब मेरी माता श्री बेसमेंट में आई एकदम से ये जितनी भी लाइट है सारी बंद हो गई। यहाँ से उनको पार्क करनी थी और मम्मी ने घुमाया होगा लेफ्ट के लिए, एंड ऑब्वियसली मम्मी ने जब लेफ्ट घुमाया होगा तो टायर इस तरीके से रहा होगा। मैंने पूरी सीआईडी वाली जांच कर ली है और ऐसे ही किसी पिलर में मम्मी ने मार दिया होगा। ये चीज ना पीछे चली गई और शॉकर टूट गए और ये सब निकल के कहीं तो बाहर चला गया। बस मुझे दुख इस बात का है कि फेंडर शायद सही होता या और वो क्लैडिंग, तो उसे उठा के ले आते ना। और सबसे बड़ी बात पता है मम्मी ने क्या करी थी, जैसी लाइट गई ना मम्मी स्वैग में बिना गाड़ी की लाइट ऑन करे नीचे आ गई। और तो और मम्मी ने पता क्या कह रहा, फोन की टॉर्च लाइट निकाल के ऐसे शीशे में मारने लग गई। बेसिकली मम्मी उस दिन ब्लैंक हो गई थी। तो अभी मैंने आज से टास्क लिया है मम्मी के साथ, रोज रोज क्या मतलब थोड़ा थोड़ा निकल के मम्मी को सिखाने का गाड़ी। इसी बहाने आप सिखाएगा टोक्यो ड्रिफ्ट की तरह कैसे चलाते हैं गाड़ी। हाँ इसी बहाने सिखाऊंगा। 20,000 मम्मी अपनी गाड़ी में ही मार दो, गोरी अपनी गाड़ी। मत बोला कर। मैं आपके लिए आगे खड़ा हो जाऊं पार्किंग सेंसर बन के। तो गाइस इससे आपको क्या सीख मिली, आपकी योद्धा माँ इतनी योद्धा माँ होती है 24 मंजिले की नींव जो कि बीम होती है यहाँ पर उसमें जाके भिड़ जाती है और उसको तोड़ने में लग जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। लेकिन सही बताऊं गाइस मैं इतनी देर से मम्मी के साथ गाड़ी में बैठा था। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देखना, 26-0 26-0। एक बात तो है इतनी देर गाड़ी में बैठा ना मुझे बहुत जोर के डर के मारे सुसु आ रही थी। मैं आपके लिए गाड़ी सही करवा के लाया ना, इसी बात पे आज मेरे लिए एक बार शिल्पा को डांट दो, अच्छे से पीट दो, कुछ तो करो मेरे को, कुछ तो रिटर्न गिफ्ट दो। गाइस मम्मी को खुश कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है किसी एक को रुलाना अभी बनता है।
सुबह से शिल्पा रोई थी, मतलब रोई क्या थी, ओवर रिएक्ट कर दिया था मेरे ऊपर फेंक कर, और जिससे मेरे गले तक चला गया था पाउडर। अभी मैं सोच रहा हूँ निधि ऑफिस से आ चुकी है, रोहन कॉलेज से आ चुका है, किसी एक पर तो करना बनता है। ये 10 बज रहे हैं, व्लॉग का एंड कुछ धमाकेदार होना चाहिए ना। मम्मी पे करें पढ़ाते हो सही में? अरे सही में बताओ। हुआ क्यों नहीं? क्या था ये? बस मुझे एक ही चीज का थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो यहाँ पे आके ऐसे चढ़ रहे तुम लोगों को। अरे यार ढंग से नहीं हुआ। See guys, this is why sometimes it fails. This failed. मैं चाहता था दीदी के पूरे मुंह पे हो जाए पर वो हुआ नहीं। एक मिनट रुको, इधर आ, तुम्हारे मुंह पे कुछ है। चुप माही चुप। क्या गांजा? कौन गांजा पी गया है? यार फेल हो गया, हट ना रे, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? अब अपने मुंह पे पढ़वाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। क्या कर रही है, क्या कर रही है? रोहन 500 रुपए दूंगा मुंह पे पाउडर पड़वा ले। 1000? 2000? अब मैं पैसे की लालच में नहीं होऊंगा। नहीं मैं बड़ा हूँ, अगर मेरे पे गिरा तो मैं दोनों को बहुत मारूंगा। क्या है ये? Run. Okay guys, hope you guys enjoyed this video. If you did, you know the drill. Like karo, subscribe karo, bell icon dabao, share karo, comment zarur karna. With that said, हंसते रहो, फिर खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते। क्या कह रहे थे? चुप माही चुप वे गांजा, ये कुछ भी गंदी बातें करता है तू। कंटा हो गया पूरा पैर ना, ऐसे स्लिप हो रहा है। इसके 150 नहीं, पूरे के पूरे 1000 एक्चुअली माइनस करो। क्या गंदी एक्टिंग करता है तू। गिरा हो मैं सही, तू तो है ही गिरा हुआ।